नमस्ते। अब हम मुड़ते हैं सहस्रहार चक्र के ऊपर, लास्ट चक्र विच इज द सेवन चक्र सिचुएटेड एट द क्राउन ऑन टॉप ऑफ योर हेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ थाउजेंड पेटल लोटस। ये इस तरह से दिखता है। दिस इज द सहस्रहार चक्र, इट्स वायलेट इन कलर एंड इट इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ योर हेड क्राउन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थाउजेंड पेटल लोटस। इसका कलर है वायलेट। इसको तत्व नहीं है क्योंकि ये सातवां चक्र है, हमारे सिर्फ पांच तत्व हैं। द ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड इज द पीनियल ग्लैंड और इसका बीज मंत्र है ओम। फिर से ओम, आज्ञा का भी ओम है, सहस्रहार का भी ओम है। दिस चक्र स्टैंड्स फॉर वननेस, वननेस विथ ऑल दैट इज। अभी इस चक्र को आप ओवरड्राइव और स्लो ड्राइव में नहीं जाते। इस चक्र की इवैल्यूएशन आप जब शारीरिक बॉडी आपकी छोड़ के चली जाती है तब इस चक्र का इवैल्यूएशन होता है। फिर भी इस चक्र पे ध्यान जरूर करते हैं। इट इज इवैल्यूएटेड ओनली आफ्टर यू लीव योर फिजिकल बॉडी। दिस चक्र स्टैंड्स फॉर वननेस, वननेस विद ऑल दैट इज। अब तक तो बड़े सेंसिटिव हो गए हैं आप, कि आप योर सेंसिटिव ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी जीवित वस्तुएं। बट what does it mean by oneness with all that is? निर्जीव चीजें, inanimate वस्तुओं के साथ भी oneness की स्थिति महसूस करना। For example, you have a cup of tea every day. वो चाय पत्ती कहाँ से आती है हमें पता नहीं। इंडिया से आती है, इंडिया के बाहर से आती है हमें पता नहीं। फिर उसके ऊपर जो बारिश, सन, मून, टाइड, रेन, इन सब का प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। फिर कोई लोग उसको, उसकी प्लांट्स लीव्स प्लक करते हैं, कोई श्रेड करते हैं, कोई क्या क्या करते हैं, इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू वो जाती हैं, इतने लोगों के प्रोसेसेस, इतने लोगों की मेहनत उसमें जाते हैं, जो लोग हमें कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, जिनको हम थैंक यू भी बोल सकें। फिर वो चाय की पत्ती दुकान पर आती है जिसे हम खरीदते हैं, या हम या हमारा नौकर उसको चाय बना के हमारे पास लेके आता है। तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द यूनिवर्स एंड पीपल इन द यूनिवर्स जिससे आप इतने ऑब्लिगेटेड हैं। दूध की कहानी एक दूसरी है। इमेजिन एक प्याली चाय के पीछे इतना सारा हमने यूनिवर्स से लिया है। जब से हमारा जन्म हुआ और मरते दम तक हम यूनिवर्स से सिर्फ लेते ही रहे हैं, मदर अर्थ से सिर्फ लेते ही रहे हैं। वॉट अबाउट गिव बैक? When you don't give back, then the universe has the right to snatch it away from you. तो कभी आपके घर में चोरी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, लाखों रुपए हॉस्पिटल्स में वेस्ट हो जाएंगे, बिजनेस क्रैश हो जाएगा, किसी ना किसी वजह से आपको उसको रिटर्न करना ही है। तो इससे बेटर है कि आप सत्कर्मी कर कमाइए, आप किसी की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। एंड नॉट नेसेसरी हेल्प हैज़ टू बी ओनली डन मॉनिटरिंग। अगर कुछ नहीं बनता तो आप किसी और के लिए प्रे तो ज़रूर कर सकते हैं, इसके लिए कुछ खर्चा नहीं होता। स्माइल फॉर एवरीबॉडी, प्रे फॉर एवरीबॉडी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। एंड दैट इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस। सो व्हेन योर सहस्रहार चक्र इज एक्टिवेटेड और यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो ये स्थिति, व्हेन यू फील वननेस विद ऑल दैट इज, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसका ध्यान कैसे करना है हम बाद में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।